आज हम शुरू करने जा रहे हैं मिशन बुनियाद के तहत डे फोर की कहानी आम गिरा धप से। साथ ही साथ सभी बच्चे इसमें एक्ट करेंगे, किस तरह उन्हें कहानी पता लग रही है, किस तरह कहानी अच्छी लगी, साथ ही साथ वो बच्चे एंड में इसका कुछ निष्कर्ष भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम कहानी को आम गिरा धप। जंगल में पेड़ में एक आम गिरा, धप धप की आवाज सुनकर सारे जानवर डरकर भागे। आम तो उसी जगह पड़ा रह गया, आम तो उसी जगह पड़ा रह गया। कुछ दिनों के बाद सिर्फ उसकी गुठली मिली, कुछ दिनों के बाद सिर्फ उसकी गुठली मिली। धीरे धीरे पत्तों और मिट्टी ने उस गुठली को ढक दिया। धीरे धीरे उस गुठली को किसने ढक दिया? पत्तों ने। फिर कई दिनों तक लगातार बरसात होती रही। फिर कुछ समय के बाद उस जगह एक पौधा निकल आया। कुछ सालों बाद वह पौधा एक बड़ा छायादार पेड़ बन गया। ठीक है, यानी कि कुछ समय बाद वो एक जो गुठली थी उसमें से एक पौधा निकल आया और वो पौधा क्या बन गया? एक बड़ा छायादार वृक्ष। अब मैं कुछ बच्चों से चर्चा करूंगा कि इस कहानी से, जो ये कहानी थी आम गिरा धप से, वो क्या समझे और उसके बारे में उनको क्या निष्कर्ष पता लगता है। तो बताएंगे, बेटा आपका नाम क्या है? हेमंत तोमर। तोमर बेटा बताओ। जैसे सर एक गुठली से एक बड़ा सा आम का वृक्ष बन सकता है, वैसे ही छोटे से बच्चे से कोई महान आदमी, कोई समझदार आदमी बन सकता है। इसलिए कभी आप अपने आप को झुटाना नहीं चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए हम भी कभी बड़े होते तो अच्छा करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, इस लाइन से कौन बताना चाहता है बताओ? इस कहानी से हमें यह शिक्षा दी है कि हमें किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। वह छोटी सी चीज भी आगे जाके बहुत एक बड़ी चीज बन सकती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम अब तीसरे बच्चे से पूछ रहे हैं, बेटा आपका नाम क्या है? वैभव पाठक सिंह। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा? सर इस कहानी से हमने ये सीखा कि कोई भी चीज छोटी नहीं होती, हमें किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर चीज़ को इक्वल समझना चाहिए, क्योंकि कौन सी चीज़ कब जाके क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम फोर्थ लाइन से पता करते हैं। तो बेटा आपका नाम क्या है? मनु सर। मनु, मनु आपने इस कहानी से क्या सीखा है वो बताइए। सर जी हमने इस कहानी से ये सीखा है हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। और सर जी जैसे आम को देख लो, वो गिर गया और वो इतना विशाल पेड़ बन गया, ऐसे अगर किसी आदमी के साथ कुछ हो जाए उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए, वो आगे जाके कामयाब बन सकता है। वेरी गुड। तो हमने सभी से चर्चा करी, सभी बच्चे इसमें अच्छी तरह पार्टिसिपेंट लिया, बच्चों ने एक्टिविटी करी इस कहानी की। तो सभी बच्चे अच्छी तरह अपने जीवन में भी इस कहानी से सीखें किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह जीवन में अपने आप को उठाना है और कभी भी छोटा महसूस नहीं करना, जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो इसी अनुसार हम इस कहानी को आज एंड करते हैं। धन्यवाद।